ज्यादा टाइम ना है तेरे पास, अच्छी तरह से समझ ले। तन्ने वो नहीं दिया जो मरने चाहिए तो जान से जावेगा, और जान से आगे कुछ ना होवे। कुछ भी कर ले मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा तुझे मैं। तो फिर मरने के लिए तैयार? ये क्या कर रही है? नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटना। आज आपको दिखाएंगे हरियाणा के शहर नरनौल की एक सच्ची घटना। एक औरत ने एक आदमी को कैद करके रखा हुआ था। आखिर क्या चाहती थी ये औरत इस बेबस आदमी से? ऐसा क्या था जिसके लिए वो इस आदमी की जान तक लेने को तैयार थी? या उसे पैसे चाहिए थे या कुछ और? और ये औरत इतनी जल्दी में क्यों थी? कुछ हफ्तों पहले इस आदमी को भनक भी नहीं थी कि उसके साथ ये वारदात होने जा रही है। कौन थी ये औरत और कैसे ये आदमी इसके चंगुल में फंसा? क्या हुआ अंजाम? माँ, कहाँ है? क्या है? माँ, क्या है? पापा कब से तुझे आवाज दे रहे हैं? मुझे लेट हो रहा है ना? अब जल्दी कर, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अरे हाँ आ रही है, जल्दी। अरे जल्दी करो भाई, ट्रेन छूट जाएगी, वैसे ही लेट हो गए हम लोग। मम्मी को बुलाने गई थी पापा। पापा लगता पूरे घर की लाइट चली गई। अरे लाइट कट गई होगी। मतलब तन्ने जो बिजली का बिल भरने के लिए पैसे दिए थे ना, वो तो घर में ही खर्च हो गए। और पता नहीं शहर में वो कहाँ प्लाट लेके रखा है। तुम्हारी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा तो उसकी किस्त चुकाने में चला जाता है और मुझ पर धौंस जमाते रहते हैं। अरे धौंस की बात नहीं है चित्रा, ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? तुम लोगों के भविष्य के लिए। और ये क्या तुम्हारे हाथ में नए कंगन? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुमने घर खर्च के सारे पैसों से ये कंगन खरीद लिए? क्योंकि देख रही हाँ, लेट हो रहा है ना, जाना किसे मार लिया। और नकली है ये। अब बिटिया के सामने लेक्चर बाजी ना शुरू करो। लेक्चर ना दूं तो क्या करूं? बताओ, अब ये बताओ कि बिजली के बिल के पैसे आएंगे कहां से? अब मुझे अपनी बेटी के हॉस्टल के जो फीस के पैसे थे ना, उसमें से बिजली के बिल के पैसे निकालने पड़ेंगे। बात समझती नहीं है तुम, बहस करती हो हमेशा। पापा, पापा, क्या है ये सब? आप दोनों लड़ते क्यों रहते हो हमेशा? आप देख, जब मैं नर्स बन जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सिर्फ 6 महीने के बाद, उसके बाद तो मेरी बेटी अस्पताल जाएगी नर्स का ड्रेस पहन। देख अब हमें देरी हो रही है, तो फटाफट बाहर चल, मैं पर्स लेके आता हूँ। हाँ राजा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बाहर जा रहा हूँ बाबू। बाहर जा रहा? हाँ वो बिजली गई है ना यहाँ पे, तो बाहर घूम के आता। और वहाँ एक जैसी माँ वैसा बेटा, तुझे मालूम है ना कि तेरी बहन जाने वाली है, जा जाके मिल उसे। पापा पर अरे पार पार कुछ नहीं, चल जाके मिल के जा। पता नहीं कब समझेगा ये लड़का, इतना बड़ा हो गया सांड जैसा। और तेरी पढ़ाई है? और तुम लोग, मैं हार तोड़कर यहाँ मेहनत करता हूँ है, और तू यहाँ जुआ खेल रहा है। चलो तुम लोग भी चल सीधा घर, आज तेरे को बताता हूँ। चल बेइज्जती करवा दी, इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं तुझे, तू ताश खेलने लगा। पापा फिर नहीं होगा पापा। चित्रा, ओ चित्रा, इस जी के चिंचार को भी अभी आना था। अब क्या करें? अरे देख के रहा है, चल छिप कहीं, चल। ये कहाँ चली गई? और दुकान खोल कर, जैसा बेटा है ना वैसे इसकी माँ है। एक को पढ़ाई की चिंता नहीं है और दूसरे को दुकान की। अब तेरे को तो मैं देखता हूँ, जा। क्या क्या है ये?
या तेरी जान बचाने का सामान है, चल जान दर। इसमें दुकान की बोरियां रखती है, ज्यादा सामान मत कुछ, तू जान दर, जल्दी से। हाँ, जान दर। अरे क्या हो गया? कहाँ है तेरा बाप? क्यों गले फाड़ के चिल्ला रहा है? मुझे क्या पता, तुम्हें ही ढूंढ रहे थे वो। क्या क्या बोली? तू चिल्ला रहा हूँ? अरे तब से चिल्ला रहा हूँ मैं। क्या कर रही थी अंदर? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? ऑफिस नहीं गए? ऑफिस नहीं गया? अरे बिजली का बिल क्या मेरा बाप जमा करता? बिजली का बिल जमा करने गया था। और सुन, रास्ते में ना तेरा ये छट्टू बेटा मिल गया, लड़कों के साथ ताश खेल रहा था। हैं? तू दिन भर करती क्या रहती? अपने सबूत को संभाल नहीं सकती? बाप तुम हो, और दिन भर पड़ंगा तोड़ती मैं, ये दुकान संभालती हूँ। हैं? अंदर क्या कर रही थी? ये सामान कोई उठा ले जाता तो? अंदर स्टोर रूम में थी, सामान जमाना भी तो पड़ता है। और इतनी चिंता है दुकान की तो खुद क्यों नहीं संभाल लेते? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कौन सा स्टोर जमा रही थी दुकान। देखो जरा अंदर क्या है। माना कि दो बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरे भी तो अरमान है। कभी कभी आपके साथ यहाँ सपनों में रह लेती हूँ, सपनों में। आवड़ी हो गई तू? छोड़ ना, क्या कर रही तू? छोड़ ना, अरे बच्चा जाके क्या कर रही है? अरे छोड़ ना, अरे क्या कर रही है? कौन है? कौन है? कौन था ये? अब समझ में आया मुझे कि तेरा मन दुकान में और बच्चों में क्यों नहीं लगता है। तू तो अपने अपने यार के साथ रंगलीला मना रही है। इसी वक्त मेरे घर से चली जा, और दोबारा अपना ये मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखाना, समझी? तेरे घर से तुझे बेदखल करता हूं मैं। पागल होगी क्या? ज्यादातर मामलों में पुरुष महिलाओं पर जोर आजमाते हैं, महिलाएं अत्याचार की शिकार होती हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। दरअसल आपराधिक मानसिकता किसी की भी हो सकती है, फिर वो चाहे पुरुष हो या महिला। और चित्रा एक क्रिमिनल माइंडेड औरत थी, वो भी बेहद शातिर, जो एक अरसे से अपने पति को धोखा दे रही थी। और जब माँ ही इतनी चरित्रहीन और गैर जिम्मेदार हो तो बच्चा भी क्या सीखेगा। परिणाम स्वरूप चित्रा और उत्तम का 16 वर्षीय बेटा राजा बुरी संगत में पड़ चुका था। बेचारा उत्तम काम, घर और बच्चों को एक साथ संभालने की कोशिश में लगा था, लेकिन इस स्वार्थी पत्नी को किसी बात का कोई लिहाज नहीं था। नाजायज संबंध एक न एक दिन सामने आते ही, और चित्रा के पति उत्तम ने भी एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चित्रा अच्छी तरह जानती थी कि इस हालत में उत्तम उसे घर से निकाल देगा, लेकिन इससे पहले कि उत्तम उसे घर से निकालता, उसने उत्तम पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब क्या करने वाली थी चित्रा? क्या उसके दिमाग में कोई खौफनाक योजना बन रही थी? आज तो ये कागज में ढूंढ ही रहूंगी। कमीने ने कहां रखा है कागज? जमीन का वो कागज मेरा बहुत ही जरूरी है। हाँ, मेरे को घर से बाहर निकालेगा। अब दिखाती हूँ चित्रा का असली चरित्र। माँ माँ, ये सब क्या सामान बिखर रही है तू? अरे पापा ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। अरे आफत तो आ ही गई है, तेरा बाप घर छोड़ के चला गया है, झगड़ा हुआ था हम दोनों के बीच, तब से गायब है। तो उसमें कौन सी नई बात है? हर दूसरे दिन झगड़ते हो तुम लोग, आ जाएंगे थोड़ी देर। पर ये क्या क्या ढूंढ क्या रही हो तुम? खजाना ढूंढ रही हूँ। देख, तो अपने बाप की तरह टोका मत कर मुझे। ये ले, ये ले, ले और दफा हो जाए। चल निकल, तू निकल। ये क्या कर रही है तू? क्यों मेरा हाथ क्यों बांध रखे?
छोड़ अरे खोल ना मुझे अरे मेरे पांव भी बांधते हैं हाथ भी बांधते हैं चाहती क्या है अरे खोल ना मुझे दिमाग तो ठीक ठाक चल रहा है मेरा मन्ने ना तो तेरी दुकान चाहिए ना तो तेरी बच्चे मैं तो बस ऐस करना चाहूंगा तेरी जमीन और जायदाद और मकान अपने नाम करवा और फिर कहीं दूर चली जाऊं ऐस कर अपनी जिंदगी इतनी नीच औरत है तू तू इतने साल मुझे धोखा देती रही नीच औरत हाँ चाहती क्या मुझसे बताती हूँ तन ये चाहती नीच औरत हूँ ना मैं मुझे अब तो तू समझ गया होगा कि मन ने क्या चाहिए जायदाद के पेपर दे दे मैंने वो शहर वाला प्लाट है ना नया कहाँ छिपाए तन्ने उसके पेपर बता दे नहीं तो तन्ने पता है मैं कितनी डेंजर हूँ बता दे तेरे टुकड़े टुकड़े करके पड़ोस वाली नाली में फेंक दूंगी नहीं बताऊंगा नहीं करूंगा मैं शायद कागजात पे क्या कर लेगी तू नहीं करूंगा मैं शायद तू साइन भी करेगा और अरे भगवान सुनला खोल ला मुझे अरे खोल दे मेरा हाथ कहाँ जा रही है खोल मेरा हाथ अरे अरे सुन तो ए सुन ला ए सुन ले ए कहाँ जा रही है कीड़े पड़ेंगे तुझ पे कीड़े चित्रा ने उत्तम को उसी की दुकान में बने तहखाने में कैद कर दिया था और अब वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम लिख दे क्या करेगा उत्तम क्या वो टूट जाएगा और अपना सब कुछ चित्रा के हाथों सौंप देगा और अगर वो सौंप भी देगा तब भी क्या चित्रा उसे जिंदा छोड़ेगी बच्चे अपने पिता के बारे में लगातार सवाल कर रहे थे और चित्रा झूठ बोले जा रही थी आखिर चल क्या रहा था चित्रा के शातिर दिमाग में हेलो हाँ माँ कैसी हो बिटिया पता नहीं तेरे पापा को क्या हो गया माँ क्या हुआ पापा को इससे पहले भी हमेशा झगड़े होते थे हमारे लेकिन इस तरह गायब नहीं हुए सब जगह ढूंढा लेकिन कोई खबर नहीं मिली अच्छा तूने पुलिस में कंप्लेंट की तो डरने के लगा हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ तू भेजा के रिपोर्ट की पुलिस में ठीक है मैं अभी घर के लिए निकलती हूँ नहीं नहीं बेटा तेरे एग्जाम्स है ना माँ अगर पापा को कुछ हो गया तो क्या करूंगी इन एग्जाम्स का मैं नहीं नहीं बेटा ऐसा ना सोच देख तेरे पापा चाहते हैं कि तू डिग्री ले ले अगर वो वापस आए और उन्हें पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा मैं तो तन्ने बताने वाली ही नहीं थी लेकिन ये सोच के बताया कि तन्ने बाद में पता चला तो तकलीफ होगी लेकिन तू टेंशन ना ले हम लोग हैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करे तू पढ़ाई में ध्यान दे ओके बेटा माँ पर हेलो माँ माँ मैं अपने दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ अरे अब तू कहाँ ढूंढेगा पुलिस का काम है पुलिस को करने दे ले और जा अपने दोस्तों के साथ जा मने लगा कि वो मुझे देख गया और मुझे नहीं छोड़ेगा ये तू मेरे पे छोड़ दे मैंने उसे संभाल लिया है तो बस वो कर जो उस दिन अधूरा छोड़ा जब तारा पति घर पे नहीं सोता थारे कमरे में क्यों नहीं चलता क्योंकि मन्ने यहाँ ज्यादा मजा आवे है और मेरा खसम बढ़ने की कोशिश ना कर सवाल पे सवाल वो तो बात बात पे नाराज होती है प्यार से एक बार आई लव यू प्यार वार की बात मेरे से ना कर मैं सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ है तो तू बड़ी तेज बता अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकती हूँ जरूरत पड़ने पर जान भी ले सकती हूँ
ये आवाज कैसे? तेरे ध्यान बहुत भटकता है, चूहा होगा तय खाने में, इधर ध्यान दे। अरे कोई है, खोलो इसको, खोलो। एक हफ्ता हो गया साहब, इनका कुछ पता ना चला। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि उत्तम अभी वापस नहीं आएगा? बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तब तक हमारा गुजारा कैसे होगा साहब? इन बच्चों को कैसे पालूंगी साहब? तुम्हारे पास वो उत्तम की दी हुई दुकान भी तो है ना, जब तक वो लौट के नहीं आता तब तक तुम उस दुकान को चलाओ, वही तुम्हारा सहारा। लेकिन साहब, उस छोटी सी दुकान से हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मेरा मतलब है बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कैसे भी करके इनका सरकारी पैसा हमको दिलवा दीजिए। भगवान ना करे उत्तम को कुछ हो, लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो तब भी तुम्हें उसकी पेंशन तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि उसके मरने की पुष्टि ना हो जाए, या फिर वो 7 साल तक वापस ना लौट के आए। ये सारी घटना हो रही थी हरियाणा राज्य के एक शहर, हरियाणा जो कि जाना जाता है अपनी हरियाली, अपनी खेती के लिए। लेकिन गुनाह के बीज तो किसी भी जमीन में पनप सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2012 में हरियाणा राज्य में तकरीबन 1,80,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो कि 2011 के मुकाबले 3% ज्यादा थे। और ये आंकड़े तो तब है जबकि बहुत से केसेस पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है। अक्सर अपहरण पेशेवर अपराधी या दुश्मन करते हैं, कभी फिरौती के लिए, कभी दबाव बनाने के लिए, तो कभी बदला लेने के लिए। लेकिन एक पत्नी द्वारा पति को यूं बंधक बनाए जाने का ये एक अनोखा मामला था। हालांकि मकसद यहां भी जायदाद ही था। चित्रा ये सब कर रही थी ताकि वो उत्तम की जायदाद हासिल कर सके और उससे पहले ऑफिस से भी पैसे वसूल कर ले। लेकिन जब उसे पता चला कि उत्तम की पेंशन ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड उसे 7 साल बाद मिलेंगे तो उसके होश उड़ गए। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक लापता रहे तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और उसका सब कुछ उसके वारिस के नाम हो जाता है। लेकिन चित्रा 7 साल तक इंतजार नहीं कर सकती थी। सवाल यह था कि अब कौन सा नया कदम उठाने वाली थी। चित्रा किसी भी हद तक जा सकती थी, बस उसे एक नई चाल सोचनी थी। अब ज्यादा टाइम ना है तेरे पास, बांध खोल के सुन ले। तन्ने वो नहीं दिया जो मरने चाहिए तो जान से जाएगा, और जान से ज्यादा कुछ ना होगा। कुछ भी कर ले मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा तुझे मैं। मरने के लिए तैयार हो जा। क्या कर रही है ये, क्या कर रही है? राजा, राजा देख के हो गया। क्या क्या हुआ? अरे तेरे पापा आग में जल रहे हैं। पापा कैसे छोड़ के चला गया? लाश की शिनाख्त करो। अपने आप को संभालिए मैडम और बताइए ये सब कैसे हुआ। सर, लाश बुरी तरह जल चुकी है, पहचाना बहुत मुश्किल। मेरे पति पिछले कई दिनों से टेंशन में थे,
पर मैं नहीं हो ना पता था कि ऐसा हो जाएगा। जब आखिरी बार देखा तो आग में जल रहे थे, मैंने तो ये भी ना पता है कि ने खुद आग लगाई कि किसी ने दुश्मनी निकाली। किसी से उत्तम जी का कोई झगड़ा या फिर कोई पुरानी दुश्मनी? दुश्मनों का तो नहीं पता था होगा साहब, लेकिन आप दुश्मनी किस चीज की निकाल रहे हो? पति की लाश पड़ी है और सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। देखिए मैडम, फिलहाल हमें इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा, उसके बाद हम आपसे पूछताछ करेंगे। अमर शंकर, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं ले जाना इनको, इनको कहीं नहीं ले जाना, पोस्टमार्टम की कोई जरूरत ना है। चित्रा और उत्तम के बेटे राजा और उनकी बेटी अदिति को तो पता तक नहीं था कि उनकी माँ ने उनके पिता के साथ क्या किया है। आवारा हो चुका राजा तो पिता की मोटरसाइकिल पाकर खुश था। जब एक परिवार को बांध कर रखने वाली महिला का चरित्र गिरता है तो फिर पूरा परिवार भी बिखर जाता है, और यही इस परिवार के साथ हो रहा था। नैतिक मूल्यों के पतन की हद थी ये। अगर ये सच्ची घटना ना होती तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन अफसोस ये सब कुछ हो रहा था। तुम रुको, मैं आता हूं। राजा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, ये मिट्टी का तेल यहाँ क्या कर? हमारे पास तो गैस है ना। तेरे वो मैं तेरे पैसे मिल गए ना, तो चल तू रखा। रुक 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 रुक, सच बता, उस दिन तूने पापा को जला के मार डाला? देखा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा अच्छा हो गया तुमने उसे रफा दफा कर दिया, बहुत बकबक करता था। पर मां, पुलिस के आसपास होते हुए तेल का डिब्बा ऐसे कोई कबर्ड में रखता है क्या? कोई देख लेता तो कितना प्रॉब्लम होता, पता है तुम? मां, ये सब क्या हो गया? बिटिया, 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 ओ मां, मम्मी बच गई बिटिया, मेरे पास अभी तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है, मां, आप हो गए, पापा, तुम नहीं सुधरोगे बेटा, पिताजी अभी अभी स्वर्ग से जा रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के जुआ खेल रहे हो। ए, बाप तेरा मरा या मेरा? चल अगली चाल चल साथ में। और वैसे भी चाहो गया मर गया, साला वहां से बहुत झगड़ता था, अब कम से कम घर में शांति तो रहेगी। माँ, माँ, तू ये खाना कहाँ लेके जा रही है? क्या है ना बिटिया, मैं और तेरे पापा साथ में बैठकर खाया करते थे, इसलिए अब यहाँ खाना खाने का दिल ही नहीं करता।
ये क्या, ये विधवा का भेष क्या बनाया तूने? तू टेंशन ना ले, दुनिया की नजर में तू मर चुका है, लेकिन मेरी खातिर जिंदा है अभी तक। ले खाना खा ले, कई दिन से तूने कुछ खाया नहीं। अगर मर वर गया तो जमीन और घर के पेपर पे साइन कौन करेगा? ले खा। जितनी आसानी से सुपारी काटे हैं, उतनी आसानी से उंगली भी काट सके। डर मत, ले खाना खा ले और फिर बता दे पेपर कहाँ है। हाँ, पहले पेपर फिर खाना और पानी भी मिलेगा। हाँ बता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि तेरी जैसी बेरहम औरत को मैंने इतने दिन अपने घर में रखा। क्यों कर रहा है ऐसा? तेरी बीवी विधवा बन के घूम रही है दुनिया में, अच्छा लग रहा है तेरे? देख पेपर कहाँ है बता दे, मैं चली जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी, सच्ची कसम से बता। तू ना कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले तू, तेरे को पेपर नहीं मिलेगी, क्योंकि ना मैंने वो पेपर अपनी बेटी अदिति के नाम कर दिए है। ये? हाँ, अदिति के नाम। बेटी से प्यार और बीवी से इनकार। कोई ना, कुछ ना बिगड़ा है अभी, अभी तो तू जिंदा है। मैं दूसरे पेपर बनवा लूंगी और तेरे से साइन करवा लूंगी उस पे। तू कुछ भी कर, जो तुझे चाहिए ना वो, तुझे वो जायदाद के कागज नहीं मिलेंगे बस। बड़ा मर्द बना फिरता है ना तू, लेकिन चित्रा ने तेरे जैसे कई मर्दों से अपने तड़वे चटवाए हैं। अभी बताती हूँ तन। ले, अरे अरे तू यहाँ? हाँ, और मैंने सब देख भी लिया है माँ। मैंने उस दिन जिसे जलाया वो पापा नहीं थे ना। तू ये बकवास कर रहा है, चल जा। बकवास नहीं कर रहा हूँ माँ, मैंने सब देख लिया है। हाँ, तू किसे खाना लेके जा रही है? मैंने पापा को नीचे बंद किया है ना। हाँ, मतलब पापा की पेंशन भी ले ली, ग्रेच्युटी भी ले ली, वो भी उन्हें बिना मारे। खैर, मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ, मुझे बता अगर इतने दिन पापा नीचे बंद थे तो उस दिन जलकर कौन मरा? था कोई जो मेरे पे जान देना चाहता था और मैंने ले ली। अरे आना, आज ना यहाँ ऐसे करेंगे। एक मिनट, मैंने आज तेरे लिए खासी बनाई है। पर ये सब, अरे ना लिख खाली बार ऐसी बनी है, अच्छी है तो ले और खा। अब और थोड़ी खा ले। क्या बात, आज मुझे बड़ा प्यार आ रहा है। ये भी पहन ले। ये तो क्या है? अरे खड़ी है, अपने पति को दी थी गिफ्ट में, अब तो इस पे तेरा हक है। ये तो क्या है? अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्या लाया क्या तूने मुझे? कुछ नहीं खिलाया तन्नो, तेरा वक्त खत्म हो गया है कमीना। कुछ अदिति के नाम कर दिया। मैंने इतने साल उसकी डांट खाई, हर बात मानी और वक्त आने पर सब कुछ अदिति को दे दिया। उस साला कैसे साइन नहीं कर,
दो मिनट में करेगा। आज इस बेल से इतना मारता हूँ ना, पूरे मार का हिसाब कितना करता हूँ। बावड़ा हो गया कि ये पहले से हाथ मरा हो चुका है, कटने से जख्म हो गए, जाचा की दवाई लिया, पर मर गया ना, उसकी दो टके की पेंशन पे गुजारा करना पड़ेगा हम दोनों। ये ऐसे जख्मों पर दवाइयाँ लगाओगे ना तो क्या खाक साइन करेगा वो? नमक लगा नमक, देखो कैसे साइन कर। चुप कर, तुम नहीं जानते हो लेकिन मन्ने जो बोल रही हूँ सुन। जा के मेडिकल से दवाई लेके आ, बोलना कि बुखार है और कटने से इन्फेक्शन हो गया है। क्या क्या काट दिया तुम? पैर का अंगूठा काट दिया है और फिर भी जबान नहीं खुली। ठीक है, पहले उसे ठीक होने दे, बाद में देखते हैं। मैं चित्रा के लिए उत्तम की जिंदगी अभी भी कीमती थी क्योंकि अभी उसे उत्तम की जायदाद अपने नाम करवानी थी। माँ के कुसंस्कारों ने बेटे को भी अपराध की राह पर डाल दिया था। राजा ने अपनी माँ का अपराध छिपाया क्योंकि उसे भी ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी। चित्रा की सारी चालें सही पड़ रही थी लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। उत्तम ने अपनी जायदाद अपनी बेटी अदिति के नाम कर दी थी। चित्रा समझ गई थी कि अगर उसने उत्तम को मार भी दिया तब भी उसकी जायदाद उसके हाथ नहीं लगेगी। इधर चित्रा को अपने इरादे नाकाम होते नजर आ रहे थे, उधर अदिति को अपनी माँ के व्यवहार पर शक होने लगा। दुकान खरीदने से जिया उनके सामने ऐसी रोनी सूरत तो ना लेके जा सकती। बिजनेस है ये सब, तू अपनी पढ़ाई कर जाके और मन ने अपने हिसाब से जी। देख मैंने तेरे लिए भी कुछ शॉपिंग की है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है माँ, ये सब मेरे साइज का नहीं है। खाना तुझसे, पढ़ाई में ध्यान दे और मन ने अपने हिसाब से चीने दी। हट माँ, 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 ये सब क्या है? तू दुकान खाली करवा रही है? तेरे पापा ने मेरे पास कुछ पैसे ना छोड़े, उनकी पेंशन से कहां तक गुजारा चलेगा तू ही बता। पर तुझे तो पहले काफी पैसे मिल चुके हैं ना उनके पीएफ से, और फिर अभी वो कंपनी से मुआवजा भी तो मिला था, तो फिर ये सब क्यों माँ? तेरे कॉलेज की फीस, तेरे हॉस्टल की फीस, तेरा मरा बाप देगा क्या? पढ़ने के पता कितना खर्चा है। ठीक है माँ, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी और ये दुकान संभालूंगी। वैसे भी मुझे नर्स बनाने का सपना तो पापा का था ना, जब वो ही नहीं रहे तो क्या करूंगी मैं ये सब बनके? बावड़ी मत बन, चल सामान पैक कर, इम्तिहान सर पे है, कल तुझे हॉस्टल जाना है। चल माँ। सेठ जी। अरे आइए। कितना पैसा बना है? अरे हिसाब किताब तो होता रहेगा, फिलहाल आप ये रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको कल दे देता हूँ। लगता है माँ को ये दुकान चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए ना कैसे आपके आते रफू चक्कर हो गए। अच्छा बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी तेरी माँ इस दुकान को संभालना सीखे, फिर उसके बाद मैं लूंगा सरकारी लोन और एक बड़ा सुपर स्टोर खोलूंगा और तेरी माँ को उसमें मार्केट बना के रखूंगा। Thank you.
आप यहाँ कैसे? उठो पापा, पापा मुझे पहचानो, मैं अदिति। अदिति। उठो पापा, मैं अदिति। उठो, ये किसने किया? तेरी माँ ने मुझे यहाँ बंद किया बेटी। माँ? पापा उठो, पापा उठो, चलो मेरे साथ। पापा, पापा उठो। माँ? कमबख्त, भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई है। आखिर तू अपने बाप के साथ मिल ही गई, तो इसके साथ इसी तहखाने में सड़ तू भी। माँ, माँ नहीं, माँ। बेटा। माँ, माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तू भी शामिल हो गई है ना? अब तू और तेरा बाप दोनों सड़ो अंदर। तू ऐसा नहीं कर सकती माँ। क्यों मारना चाहती है? राजा! अब तुम रुको, मैं आता हूँ। राजा! क्या हुआ माँ? राजा सवाल बाद में कर। तेरी मेरी मदद करनी तो हम दोनों परेशान की। ये क्या हो रहा है? राजा! राजा मैं हूँ उधर। कौन राजा? बंद कर दी जल्दी। जल्दी बंद कर। अरे ये माँ बेटे मिलकर किसे बंद कर रहे हैं? तू यहाँ अबे जा यहाँ से, यहाँ चोर है अंदर। हाँ उसको बंद कर रहे हैं। चोर है? कौन लो? ये पर आवाज तो तेरी बहन की है। क्या कर रहे हैं उसके साथ? मामा राजा, ए राजा, मम्मी छोड़ के किधर जा रहे तू? राजा तुम लोग जाओ, पुलिस को बुला के ला। अरे दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। आपके लिए पुलिस बुलवाई है, अंदर रहिए। सुनो, आराम से। पापा ठीक हो? ठीक। के सामने गर्व से कहती थी कि मेरी माँ मेरे पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जिम्मेदारियां संभालती है, और तू आज अपने लालच में आकर मुझे और पापा को खत्म करने चली थी। घिन आती है तुझ पे, तो मेरी माँ है। बहुत शौक है ना तुझे सोने के कंगन पहनने का? अब तेरे इन हाथों में कंगन नहीं, सिर्फ हथकड़ी होगी। एक महिला यानी खुद उत्तम की पत्नी चित्रा ने उसे कैद किया, मारने की कोशिश की, और दूसरी महिला यानी उत्तम की बेटी अदिति ने उसकी जान बचाई। चित्रा का अपराध सबके सामने आ चुका था। चित्रा को अपने प्रेमी की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, उत्तम के अपहरण और उसे कैद करने के लिए सेक्शन 376, उत्तम को जान से मारने की कोशिश के लिए सेक्शन 307, और भारत सरकार को धोखा देकर प्रोविडेंट फंड की रकम हड़पने के लिए सेक्शन 420 के तहत दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चित्रा के बेटे राजा को चित्रा के गुनाह में शामिल होने के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। स्वार्थ और लालच में अंधी होकर चित्रा ने खुद अपने ही हाथों अपना अच्छा खासा परिवार तो बर्बाद किया ही, खुद अपना जीवन भी तबाह कर लिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिर्फ पति ही गलत नहीं होते, पत्नियां भी गलत होती। सिर्फ पुरुष ही अपराध नहीं करते, महिलाएं भी अपराधी होती। तो ये थी हरियाणा के एक शहर की घटना। अगले एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे एक और शहर की सच्ची घटना से। देखते रहें सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से चौंका देने वाली आपराधिक घटनाएं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।